नाम बोलो। अच्छा वो थोड़ी अच्छी मिली थी ना, रक्षक कहलाता है। ये भारत की शान कहलाता है। जनता का रक्षक छत्रपति श्रवण का असली नाम छत्रपति है। शरु क्या क्या छुपाओगे तुम? और तुम ड्राइवर नहीं हो, जनता की रक्षा के लिए लड़ने वाले शरु हो तुम। तुम श्रवण नहीं हो, छत्रपति हो। ये देखो छत्रपति। मेरा शक सही निकला। ऐ, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज मिला है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना, और तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ। हमारे लड़कों को तूने मार डाला ना, क्या समझकर मारा? मैं राजा हूँ यहाँ का, एक के बदले में दो की जान लेता हूँ और फिर एक ही कब्र में दफनाता हूँ। तू जितनी बार भी दफनाएगा, मैं उतनी बार कब्र फाड़ के बाहर निकलूंगा। तू राजा है तो मैं शहंशाह हूँ। तू शहंशाह बनकर मेरा मुकाबला करेगा? अब बात छत्रपति। चले तेरे रिवॉल्वर से एक गोली निकलेगी मुझ पर तो तुझ पे हजार गोलियां बरसेंगी।
नहीं छत्रपति, मैं अकेला 40 औरत को पालता हूँ, लेकिन तुझ में तो एक औरत को पालने की हिम्मत नहीं। अब जितने भी दिन तेरी जिंदगी की सांसें रहेंगी, उतने दिन तक तू अपनी जिंदगी का एक एक दिन गिनते रहना, और तेरी अर्थी का तू इंतजाम करके मैं खुद तेरे इलाके में आऊंगा और तुझे वहीं गाड़ दूंगा। अगले संडे तक या तू या मैं रहूंगा। फूलों का हार मैं खरीद कर लाऊंगा तेरी लाश पर डालने के लिए। उठ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन तू एक बात याद रखना, तू मेरे इलाके में मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मार, मर सकता है तो मार मुझे, लेकिन ये भूल मत जाना, तुझे मैं मारूंगा। शरू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम में और चक्रवर्ती में किस बात की दुश्मनी है? अब तुम्हारे साथ AK-47 लेकर खड़े हुए कौन है? सारे पेपर्स में तुम्हारे फोटो छपे हैं, किसी आम आदमी का इतना फोटो तो नहीं छपता है ना? इंडिया के राष्ट्रपति के हाथों से मेडल लेता हुआ आम इंसान तो नहीं? बताओ शेरू, बताओ। यही वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया था। इस जगह का नाम है सियाचिन। यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारे जवान उतर गए। सर, ऑपोजिट फोर्स के एनी डिटेल्स? नॉट मच डिटेल्स। हमारे सैटेलाइट की फोटो को देखने से पता चलता है कि वहाँ पर 100 से 150 लोग रहेंगे। सर, इस ऑपरेशन का लीडर कौन है? इस ऑपरेशन के लीडर है मेजर छत्रपति। मेजर छत्रपति के साथ 56 बटालियन जाएगी और इस ऑपरेशन का कोड वर्ड है ऑपरेशन 7 स्टार। सर, अब तक दुश्मनों की फौज की वजह से हमारे 500 जवान बेमौत मारे गए और अपने सेना के 4 फ्लाइट, 10 हेलीकॉप्टर और 6 बम्बर्स का भी सर्वनाश कर दिया। इसीलिए ऑपरेशन 7 स्टार के बारे में डिस्कस करने के लिए ये सीक्रेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। सर, ऑपरेशन 7 स्टार सियाचिन को कैसे अपने कब्जे में मिलेगा? सर, मेजर छत्रपति के जोश और हिम्मत से हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद।